भैया भैया फॉलो करो। पहला मर्डर है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डालू के अंदर सब्र करना। डाल दू के अंदर। अरे मार दो ना सर, काय को खाली फुकट की हुलपट्टी दे रहे हो। ए, तू क्यों बीच में बोल रहा है? मैंने ऑटो में कितने मर्डर होते हुए देखे, पुलिस आने से पहले अपना काम खत्म करो। ए, ये मेट्रो सिटी है, यहाँ जगह जगह पर कैमरे लगे हैं, जल्दबाजी में कुछ गलती मत कर देना। तो सुन गिले, बिल्कुल सही स्पॉट मिला है तुझे। इसको टपकाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मूत्र विसर्जन करने से पहले तू इसका अंतिम संस्कार कर देना। यही कब्र खोद दूं? उल्टी गिनती शुरू कर दे। ये क्या मॉर्निंग वॉक के लिए आया है? पीछा करते करते पैरों में छाले पड़ गए मेरे। बाहर से यहाँ आकर स्कूल के मासूम बच्चों को किडनैप करते हो, कॉलेज की लड़कियों को किडनैप करके रेप करते हो, इनकी लाशों को गटर में फेंक दो, बोल देंगे सबके सब एनकाउंटर पे मारे गए, काम तमाम, केस खत्म। ए, कहाँ रह गया था और क्या हुआ तुझे? रजनी की तरह गया था और गजनी की तरह वापस आ गया। दोस्त, अकेले नारियल पानी पीकर आया ना? ये नारियल पानी नहीं है, शरीर का पानी है। उसे देखकर मेरी पैंट गीली हो गई। वो पुलिस वाला है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। क्या कहा? वो अंदर चुन चुन कर लोगों को मार रहा था, चार गुंडों को घुटने पर बैठा कर एक एक करके नरकवासी बना रहा था। अरे तू डर क्यों रहा है? तेरे जैसा बहादुर एक बंदूक से नहीं डरता? अरे मैं तो पिचकारी वाली बंदूक से भी डर जाता हूँ। दोस्त, तूने मुझे प्यार करते हुए देखा, कॉमेडी करते हुए देखा है, मगर एक्शन करते हुए देखा है क्या? नहीं। तो अब देख लेना, चल। कंप्लेन नहीं लोगे इसका क्या मतलब है सर? हाँ, आप तो कहते हैं आप जनता के दोस्त हैं, तो आज मेरे दोस्त को कुछ सवालों के जवाब चाहिए सर। ओ, कौन है ये लोग, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? कंप्लेन देने आए हैं सर। तो कंप्लेन लेकर भेजो ना इन्हें। आपके खिलाफ कंप्लेन देने आए हैं सर। मेरे खिलाफ? अगर आपने हमारी कंप्लेन नहीं ली तो हम कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना देकर मीडिया को वहां बुला लेंगे। चल मेरे साथ। एसी में तेरे पसीने क्यों छूट रहे हैं? ये पसीना इस एसी की वजह से नहीं, हाँ। उस एसी की वजह से छूट रहा है। ओ, उसे देखकर मैं डर से कांपने लगता हूँ। अभी तेरे डरने का टाइम नहीं है, डराने का टाइम है। तुझे देखकर उसके पसीने छूटने चाहिए, ये सब निकाल। अरे क्या कर रहा है, मेरे शर्ट का बटन क्यों खोल रहा है? ए, अगर तुझे उसे डराना है तो तेरे पास बॉडी होनी चाहिए या फिर बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। तेरे पास बॉडी तो नहीं है, कम से कम अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसका चूहा बना दे। अब चल। अब तो देख मेरी बॉडी लैंग्वेज। सर, ये हुई ना बात, अब मेरे दोस्त का जलवा देखना। मेरा वॉक देखकर वो शॉक हो जाएगा। क्या चाल है? तू क्या कोई डॉन है? एसीपी के ऑफिस में ऐसे शर्ट खोल करके जाएगा? अपने दोस्त को देख, ऊपर से नीचे तक डिसेंट लग रहा है। इसने अपनी बॉडी लैंग्वेज नहीं बदली। बटन बंद कर, अंदर जा जाहिल। चल ना अंदर। देख ऐसे रोते नहीं। समर कर, देख कर बैठना। क्या बात है सर? मुझे ना, कैन आई ड्रिंक सम वाटर? थैंक यू सर। ये ऐसे काप क्यों रहा है? सर, ये आपसे ना बहुत नाराज है। वो क्या बोल रहा है, उसके हाथ में गन है, वो मुझे यही शूट कर देगा। डर मत ना, मैं तेरे साथ। बोलो क्या बात है? सर, इसके अंकल की बेटी से मैं प्यार करता हूँ। अच्छा। मेरे पड़ोसी की बेटी से ये प्यार करता है? ठीक है। इसके अंकल की बेटी से आपकी शादी होने वाली है। अगर आप इसके अंकल की बेटी से शादी करेंगे तो मैं किसके अंकल की बेटी से शादी करूंगा? सच बोला तो टेंशन में आ गया है। कौन हो तुम? ये हमें नहीं जानता। ये फिर आ गया, अगले एनकाउंटर की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। एक जरूरी बात करनी है, बाहर आइए। चलो, बाकी की बातें गाड़ी में करते हैं। चलिए सर। ये हमें कहाँ ले जा रहा है? अभी लंच टाइम है ना, होटल में ले जाकर बिरयानी खाएगा और वहाँ आराम से बैठकर बात करेगा। अरे चल ना। बोलना वेज बिरयानी मंगाई, आज मैं नॉनवेज नहीं खाता। तूने तो बोला होटल लेकर जाएंगे। लगा तो था,
बस स्टैंड लेकर आ गया सर, टिकट। लगता है पिक्चर दिखाने वाला है। ये लो, इसमें दो टिकट्स हैं। कौन सी पिक्चर की सर? दोबारा कभी मुझे दिखाई मत देना, अपने गांव निकलो जाओ। हेलो। क्या सर, हम आपसे जरूरी बात कर रहे हैं और आप हमारी बात सुनने की बजाय टिकट देकर हमें वापस गांव भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप पुलिस ऑफिसर हो इसीलिए अभी तक नरमी से पेश आ रहा हूँ। सर हमने उसे देख लिया। आप वर्दी पहनने के बाद गुंडे बने हैं, पर मेरा दोस्त स्कूल से ही गुंडा है। हाँ, तूने मुझे स्कूल जाते कब देखा? मेरी मौत की एडवांस बुकिंग क्यों करा रहा है? तू रुक ना। ए भगवान, तू अंतर्यामी है, तू ही मेरा स्वामी है। इस शैतान की गोली से आज मुझे बचा ले, मैं जिंदगी भर तेरी भक्ति करूंगा। भगवान बचा ले, बचा ले। मैं बच गया। ये तो जिंदा है, ये तो जिंदा है। फिर ऊपर कौन गया? कौन है ये? सरेंडर करने के लिए कहा था तो तू अंडरग्राउंड हो गया है? ए सर, ले जाओ इसे। ओके सर। तो तुम दोनों कुछ बोल रहे थे ना, क्या बात? सर आपने इतने प्यार से हमें समझाया कि हमने गांव जाने का फैसला कर लिया, चलो चलते हैं। एक मिनट। क्या हुआ? सर एक रिक्वेस्ट है। इस सिक्के से टॉस करते हैं, अगर टेल आया तो लड़की आपकी और हेड आया तो लड़की मेरी। हेड आया है यानी लड़की मेरी। इसके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? सिक्का टॉस करेगा तुझे, ये क्या क्रिकेट का मैच लग रहा है तेरी? क्या हुआ? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। बोल क्या है? बस छूटने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तब तक अपना हिसाब पूरा कर लीजिए। मैं जाकर तेरे लिए विंडो सीट पकड़ता हूँ। संभल कर सर, बहुत ही गुस्से वाला इंसान है। मेरे दोस्त का दिल सोने का है, उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। बस के अंदर भीख मांगना अलाउड नहीं है। हट हट, बाजू में बैठ, दूर दूर। तू, उसने तेरी ऐसी हालत कर दी और तूने उसे ऐसे ही जाने दिया? हाँ, तूने भी तो कुछ नहीं किया। मैं उसे मारने वाला था मगर यूनिफॉर्म में था इसलिए छोड़ दिया, वरना बहुत मारता। लंबी लंबी फेंक सकता है वो इंसान नहीं, जानवर है। पूरे बस स्टैंड पर लटा लटा के मारा। अरे तू रो क्यों रहा है? मैं हूँ ना, तुझसे वादा करता हूँ ये शादी कभी नहीं होगी। तुझे कैसे पता? होने वाला पति होगा किडनैप, शादी का प्लान सुपर फ्लॉप। फिर से फेंक रहा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समः प्रभे निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकारेषु सर्वदा। चलिए ना, हम भी चलते हैं। आइए, नमस्ते। आइए। आ गए हैं का खाना। ए टू गए। ए अंजू रानी, क्या हाल है? सच कहूँ, शादी देखकर मुझे भी शादी करने का मूड हो रहा है। और मुझे हनीमून पर जाने का मूड हो रहा है। अपनी रासलीला किचन में जाकर मनाओ। कबाब में हटी हमेशा डिस्टर्ब करेगा। चल जा यहाँ से। चल जा, अंदर जाकर मेहमानों का ख्याल रख। जल्दी जल्दी पत्ते लगाओ। भैया सब आपको ढूंढ रहे हैं। सॉरी भाई साहब। तू क्या हो गया तुझे? तू यहाँ दूल्हे के गेटअप में क्या कर रहा है? तूने ही कहा था पति को किडनैप करके शादी रोकेंगे, सब भूल गया क्या तू? तेरी बात पर यकीन करके दूल्हे का ड्रेस पहनकर आया हूँ। देख तू इस बार मुझे गोली मत देना। अच्छा ऐसी बात है, उस दिन तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, वरना तू पता नहीं और क्या बखेड़ा करता। तूने उस बात को इतना सीरियसली ले लिया तो इसका मतलब मेरी शादी उससे कभी नहीं हो पाएगी। उससे क्या, किसी से भी नहीं होगी, तू ऐसे नहीं समझेगा। इधर आ, इसे एक घूंट में पीजा और इस शादी का ऑडियंस बनके मजा ले। ओके चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। इतने सच्चा पी लेता हूँ। दुल्हन को बुलाइए। अब दूल्हे को बुलाइए।
महाकाय शूर कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम गुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सर आप पर इंक्वायरी चल रही है, जरा 5 मिनट के लिए इधर आइए। पापा चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सर सर ये सब क्या है, मेरी बेटी की शादी हो रही है, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? इन पर रिश्वत लेकर बैंक के लुटेरों को भगाने का और बाहर से आए मासूम स्टूडेंट्स का फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा है। ह्यूमन राइट कमीशन से इन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है, इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, इन्हें हमारे साथ चलना ही होगा। ये सब क्या है? कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। सर हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, शादी हो जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। सर ये फर्जी एनकाउंटर केस है, अगर साबित हो गया तो कम से कम 10 से 15 साल की जेल है। अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आई एम सॉरी सर। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। सुरेश मैं अपनी बेटी का गुनहगार हूँ, मैंने सिर्फ इतना ही देखा, लड़का अच्छी नौकरी करता है, वो अच्छा है कि बुरा है मुझे कुछ नहीं पता था। आप चिंता क्यों करते हैं, आपने पूरे गांव को इस शादी में बुलाया है, हम आपके साथ हैं। आप गांव में से किसी भी लड़के को चुन लीजिए, हम आपकी बेटी की शादी उससे करवा देंगे। ऐसे समय में इतनी जल्दी कहां से अच्छा लड़का ढूंढूं? भाई साहब आपको लड़का ढूंढने की जरूरत क्या है, आपके दोस्त का बेटा शक्ति जो है, आप उनसे जाकर एक बार बात तो कीजिए, वो उनके बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ जरूर करवाएंगे। नहीं भाई ये ठीक नहीं होगा, ये बात शादी से पहले की होती तो ठीक होता, अब इस तरह जब अचानक मेरी बेटी की शादी रुक गई है तो किस मुंह से जाकर बोलूं कि तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर लो। दोस्त ये कैसी बात कर रहे हो तुम, क्या हम दोनों के परिवार अलग अलग हैं? दिव्या बेटी मेरी भी कुछ लगती है और उसे इस हालत में देखकर मैं चुप नहीं बैठ सकता। अभी इसी वक्त मैं आप सबको बता देता हूँ, आज ये शादी होकर रहेगी, इसी मंडप में मेरा बेटा दिव्या को मंगलसूत्र पहनाएगा, आज शादी होकर रहेगी। एक बार आप अपने बेटे से भी तो पूछ लीजिए। मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ओम लक्ष्मी नमः।